दूसरी जानिब आपको बताएं कि मैचेस के दौरान मुतअल्लिका रूट पर मुकर्रर वक्त के लिए ट्रैफिक बंद की जाएगी। दौरान मैचेस सिक्योरिटी के तौर पर मुतअल्लिका रूट पर सड़कों को बंद रखा जाएगा। पीएसएल के मैचों में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम के बारे में रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई। मैचेस के दौरान मुतअल्लिका रूट पर मुकर्रर वक्त के लिए ट्रैफिक बंद रहेगी। दौरान मैचेस सिक्योरिटी के तौर पर मुतअल्लिका रूट पर सड़कों को बंद रखा जाएगा, जबकि मैचेस में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम के हवाले से रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करा दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि पीएसएल मैचेस के दौरान मुतअल्लिका रूट पर मुकर्रर वक्त के लिए ट्रैफिक बंद होगी। दौरान मैचेस सिक्योरिटी के तौर पर मुतअल्लिका रूट पर सड़कों को भी बंद रखा जाएगा। आपको बताएं कि लाहौर में पीएसएल मैचेस ट्रैफिक बंद होगी। टीमों की नकलो हरकत के दौरान ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। दौरान मैचेस सिक्योरिटी के तौर पर मुतअल्लिका रूट पर सड़कों को बंद रखा जाएगा। मैचों में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए इकदाम के बारे में रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई है। लाहौर में पीएसएल मैचेस ट्रैफिक बंद होगी, इस हवाले से क्या इंतजाम किए जाएंगे, जानेंगे मलिक कश्यप से। मलिक कश्यप आगाह कीजिएगा जी। लाहौर ये तैयारी कर लें, पीसीएल मैचेस के दौरान ट्रैफिक मुतलका रूटों पे बंद रहेगी और ट्रैफिक का जहाम जो है वह एक मरतबा फिर शहरियों को परेशान करेगा। लाहौर हाईकोर्ट में पीसीएल के क्रिकेट मैचेस के हवाले से ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और लाहौर हाईकोर्ट को इस रिपोर्ट के जरिए आगाह कर दिया गया है कि पीसीएल मैचेस के दौरान शहर में ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा और मुतल्लिका जो जहाँ पे जो टीमें हैं उनकी आमदोरफ्त के दौरान ट्रैफिक जो है आम शहरियों के लिए बंद रहेगी और मुतबादर रूट्स जो हैं वो इस हवाले से वहाँ पे ट्रैफिक को चलाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की रिपोर्ट जमा करवाई गई है और जिसकी कापी सिटी 42 ने हासिल किया और इसमें बताया गया है कि पीसीएल मैचेस के दौरान जो सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए शहरियों की सिक्योरिटी और जो क्रिकेट टीमों की सिक्योरिटी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक का प्लान मरतब किया गया है और इस ट्रैफिक के मुताबिक जो जुडिशल वाटर एंड कमीशन है उन्होंने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में पीसीबी के अफसरान के अलावा सीटीडी के अफसरान और पीसीबी और सीटीओ ने शिरकत की और इसमें बताया गया कि पीसीएल मैचेस के दौरान जो क्रिकेट की टीमें हैं उनके आमदोरफ्त के दौरान जो ट्रैफिक होगी वो बंद की जाएगी, मुतबादर रूट्स फराहम किए जाएंगे और वहाँ पे 400 एहलकारों की इजाफी नफरी भी तलब की गई है। इस हवाले से बताया गया है कि जो ट्रैफिक प्लान होगा उस हवाले से शहरी जो हैं उनको पहले ही आगाह कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक जाम रहेगी, ट्रैफिक जो है उसका जहाम रहेगा, वहाँ पे ट्रैफिक जो उनके मुतबादर रूट्स कौन से होंगे, इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया गया है और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाद करीम जो है इस जो स्मोक के मुतल केस है इसमें इस केस की समाअत करेंगे और इस हवाले से जो अदालती अहकाम हैं वो भी जारी किए जाएंगे कि ट्रैफिक के हवाले से अदालत क्या अहकाम मजीद। ठीक है मलिक कश्यप, बहुत शुक्रिया।